सरल स्वभावी, वाणी में माधुर्य, ईमानदार छवि, अनुशासित व्यक्तित्व के रूप में लोकप्रिय, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में रत, अनेक संस्थाओं के उच्च पदों पर आसीन प्रतिष्ठित व्यवसायी श्री सतीश मोदी जी, फर्म शिव शक्ति इंटरप्राइजेज एवं जानकी इंटरप्राइजेज। आप मक्का, बाजरा, सोया डीओसी का व्यापार करते हैं। आपकी फर्में सन 2002 से नया बाजार दिल्ली में कार्यरत है। अपने 54 वर्षों के आधार पर व्यापारिक व सामाजिक कार्यों में रत अमरज्योति डायरेक्टरी एवं जैन संजोग पत्रिका के संपादक श्री हनुमानमल जैन गोलछा आपको अग्ररत्न की उपाधि से विभूषित करते हुए। आदरणीय व्यापारी भाइयों से हनुमानमल जैन गोलछा का सादर नमस्कार। व्यापारी भाइयों, आज मैं साक्षात कर रहा हूँ जानकी इंटरप्राइजेज एवं शिव शक्ति इंटरप्राइज के मालिक श्री सतीश मोदी से, जिनका मेरा संपर्क इनके पिताजी के समय से है, जो लारूस रोड पे विराजमान थे। उस समय से मेरा संपर्क चलता आ रहा है। उस समय पिताजी की देख रेख में करते थे, आज स्वतः अपनी देख रेख में सारा व्यापार कर रहे हैं। वो व्यापार भी सुदृढ़ अपने सुलझे हुए अपने हिसाब से, अपनी जितनी क्षमता है उसी हिसाब से करते हैं। ये 20-25 साल से मैं देखता आ रहा हूँ पिताजी के समय से, उसी मार्गदर्शन को उसी हिसाब से ये व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में मैं आपका साक्षात कर रहा हूँ फर्म के मालिक श्री सतीश जी मोदी से। सतीश बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार बाबू जी, नमस्कार। क्या हाल चाल है? बस बाबू जी आपका आशीर्वाद। आपका तो मेरे पिताजी साहब से जब से मेरा संपर्क रहा है आपका, आप कब से व्यापार शुरू किया, लहर फोड़ कब से रहे, यहाँ नया बाजार में कब आए और किस तरह का व्यापार कर रहे हैं, कौन सी डील कर रहे हैं, वो सब व्यापारी भाइयों को देने की कृपा करें। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। ये हमारे श्री हनुमानमल जी जैन, हमारे पिताजी के टाइम से मैं इनसे परिचित हूँ। इन्होंने तो मेरे को बहुत बच्चे से देखा हुआ है, 20 साल की उम्र से देख रखा है मेरे को। मेरा यहाँ नया बाजार के अंदर मक्का का, सोया डीओसी का और मस्टर्ड डीओसी और बाजरा वगैरह का व्यापार है। पिताजी के मार्गदर्शन में मैंने व्यापार चालू किया था और उनकी ही नेक नियत और नेक बरकत की वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। बाकी हनुमानमल जी जैन मेरे पड़ोस में बैठते हैं, इनको भी मुझे 20-25 साल देखते हुए हो गए और मेरे आचार विचार से ये अच्छे से परिचित है। इनका आशीर्वाद, अच्छे लोगों के सहयोग से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। बाकी हनुमानमल जी जैन का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अच्छा जी, आपने कब से बोली व्यापार का शुरू किया है, कितने साल की उम्र थी उस टाइम? मेरी उम्र से बाबू जी उस टाइम पे थी 21 साल की उम्र थी। आप तो बराबर मेरे दर्जी किसे देख रहे हो। बिल्कुल जी, रिश्तों के लिए कैसे लोगों की लाइन कतार लगी रहती है। बिल्कुल बाबू जी, आपने हाँ, इनका मतलब रिश्ते नाते वगैरह के माहौल इनका बहुत बढ़िया है। लोग बाग आते रहते हैं और अच्छे रिश्ते इन्होंने कराए हैं, मतलब अच्छे संपर्क के लोगों के साथ में। मतलब आज तक मैंने बिल्डिंग के अंदर 20 साल के अंदर आज तक कोई विवाद नहीं देखा कि इनका कराया हुआ हो कोई रिश्ता जो कानूनी कलह के अंदर जाके फंस गया हो। आज तक मैंने कोई भी इनका रिश्ता इस तरह का नहीं देखा है कि जिसकी वजह से कोई यहाँ आ रहा है, कोई पुलिस वाला आ रहा है, जी आपने ये क्या करा दिया, ये क्या कर दिया। आज तक जो भी इनके संपर्क में आए, एक अच्छे व्यक्ति इनके संपर्क के अंदर है जो मैं इनको जानता हूँ, और इनके जो संपर्क में व्यक्ति है उनको भी मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ। इनका आचार व्यवहार बहुत ही अच्छा व्यवहार है। अब तक हनुमान जी ने जो लोगों को मुलाकात कराई, एक डायरेक्टरी के जरिए करवाई, अब हनुमान जी ने करीब 21 साल से एक हमारे परिवार के अंदर एक आशु जी भाई को हमारे परिवार के अंदर और सम्मिलित कर दिया है, जिन्होंने डिजिटल डायरी के द्वारा पूरे व्यापार को एक दूसरे से जोड़ दिया है। आज युग हो गया है, कंप्यूटर वर्ग युग हो गया है। आज डायरेक्टरी की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर में नाम डालिए, लैपटॉप में नाम डालिए, मोबाइल में नाम डालिए, आप किसी भी देश में कहीं भी किसी भी प्रकार की फर्म को देखना चाहो तो आप तुरंत देख सकोगे। मैं आशु भाई का बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारे देश को एक डिजिटल डायरेक्टरी एड्रेस, लोगों के एड्रेस डिजिटल कर दिए हैं। ये उन्होंने बहुत बढ़िया मतलब लोगों को संकेत दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।